जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाहीन अफरीदी एशिया कप 2022 से ड्रॉप्ड हो चुके हैं और एशिया कप 2022 के लिए मोहम्मद हुसनैन को सिलेक्ट किया गया है और मोहम्मद हुसनैन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले 28 अगस्त के मैच में भी शाहीन अफरीदी की जगह खेलेंगे। शाहीन अफरीदी की इंजरी पर आखिरकार शाहिद अफरीदी भी बोल पड़े। शाहिद अफरीदी ने शाहीन अफरीदी को किस बात से मना किया था, आइए बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, मजीद वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शाहीन अफरीदी की जगह ले चुके हैं मोहम्मद हुसनैन, जिनके बारे में आपने न्यूज में सुना होगा कि इनका बॉलिंग एक्शन मशकूक करार दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना सफर मजबूती के साथ अपना सफर जारी रखा और आज एक मरतबा फिर वो एक बड़े इंटरनेशनल इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन इस वीडियो में बात होगी शाहीन अफरीदी की। शाहीन अफरीदी का इंजर्ड होना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस हवाले से शाहिद अफरीदी ने कहा है कि मैंने शाहीन अफरीदी को कई मरतबा मना किया था कि वो डाइव ना लगाएं, लेकिन वो भी अफरीदी हैं, उन्होंने मेरी बात को ना माना और आज वो इंजर्ड होकर बैठ गए हैं।